कर्पूर गौलम कर्वाव तालम संसार सारम भुजगेन लहालम सदा वसंतम। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद वेलकम करता हूं आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई डेली रूटीन नहीं दिखाने वाला हूं। आज मैं आप लोग को कुछ मैसेज देना चाह रहा हूं, सभी को, सारे गार्जियंस को, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, उन सभी को। और वीडियो के थंबनेल से थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। हो क्या रहा है कि आज के इस दौर में जहाँ पे इंग्लिश मीडियम ज़्यादातर चल रहा है, इंग्लिश मीडियम है, SSC, UPI और CBSE बोर्ड, इन सारे स्कूलों के अंदर जो कि हाईटेक फैसिलिटीज़ के साथ सारे स्कूल्स कॉलेज चल रहे हैं, हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल के अंदर और बड़ी अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो यंग जनरेशन है उसमें एक चीज़ का मैं कमी देख रहा हूँ, अभाव देख रहा हूँ, वो ये है कि आज की यंग जनरेशन अपनी ही संस्कृति और सभ्यता को धीरे धीरे भूलती जा रही है। पूरी तरीके से भारत की जो सभ्यता और संस्कृति को लोग भूल रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर जो भी है पश्चिमी सभ्यता को लोग अपना रहे हैं, जैसे कि आप क्रिसमस डे हुआ और वैलेंटाइन डे हुआ, बड़ी सारी चीज़ों को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी एक बच्चे से, चाहे वो छोटा हो चाहे यंग एज का कोई, अगर उसे आप एक बात पूछिए, उससे कुछ भारत के विषय में पूछे या किसी धार्मिक ग्रंथ के विषय में पूछे, रामायण महाभारत के विषय में पूछे, तो शायद वो नहीं बता पाएगा। बड़े सारे हमारे फेस्टिवल हैं, दशहरा है, दिवाली है, होली है, बड़े सारे पढ़ते हैं। अगर ये किसी से पूछा जाए, किसी बच्चे से, कि इसको मनाया क्यों जाता है, तो बच्चों को यही नहीं पता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीज़न है, कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन में कमी है, हमारे लोगों में कमी है, गार्जियंस में कमी है, कि हम अपनी मूलभूत जो संस्कृति और सभ्यता है उसका बीज अपने बच्चों के अंदर डाल नहीं रहे हैं, उनको वो संस्कार नहीं दे रहे हैं जो उनको देना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं। और मुझे लगा कि ब्लॉग तो जो डेली का वो चलता ही रहता है, लेकिन कुछ मैसेज जो मैं देना चाह रहा था काफ़ी दिन से, और आज थोड़ा सा मौका मिला है तो मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस किया जाए। तो देखिए, ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि आज हमारे इंडिया की जो कल्चर है, जो सभ्यता, इतनी महान है फ्रेंड्स, कि इसको लोग सीखने के लिए दूर दूर विदेशों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इसकी क्लास ले रहे हैं, इसको सीख रहे हैं और बाहर जाकर उस चीज़ को अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर। लेकिन थोड़ा सा मुझे शर्म आती इस बात को कहते हुए कि मैं आज की जब यंग जनरेशन के बच्चों से, युवा पीढ़ी के लोगों से मिलता हूँ, तो देखता हूँ कि नहीं, ये अपने ही कल्चर को भूल चुके हैं। तो थोड़ा सा शर्मिंदगी का एहसास होता है कि हमारे देश के, हमारे जो अपने लोग हैं, वो भूल रहे हैं और बाहर की कंट्री के लोग आकर सीख रहे हैं। तो ज़रूरत है इसको लोगों को बताने की, और उसकी पहल हमें और आपको ही करनी पड़ेगी। तो उसमें होता क्या है, एक चीज़ मैंने पाया है कि परिवार के अंदर जो चीज़ें हम अपने बच्चों को देते हैं और वही संस्कार धीरे धीरे बच्चों के अंदर विकसित होता है और आगे बढ़ता है। और मैंने अपनी बच्ची को, मैं तो खुद को नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं अपनी बच्ची अर्पिता को या लाडू को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाता हूँ, थोड़ा सा अपने डेली रूटीन, जो जॉब वर्क है, उन सारी चीज़ों में थोड़ी सी व्यस्तता हो जाती है। बट मेरी वाइफ जो है पूरी तरीके से डेडिकेट होके बच्चों को हर वो एक चीज़ सिखाने की कोशिश करती हैं जो उनके लिए ज़रूरी है, बच्चों को पढ़ाने से लेकर बच्चों को जो भी तहजीब होती है, जो भी संस्कार होते हैं, उसको सिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, और ज़रूरी भी है। आज मैं अर्पिता से आपको मिलवाऊंगा, अर्पिता ने बहुत कुछ ज़्यादा नहीं सीखा, लेकिन जो कुछ भी हम लोग करते हैं उस एक्टिविटी को वो फॉलो करती है, और आज उसको कुछ वैदिक मंत्र याद है, इवन जो है हम लोग के गायत्री मंत्र, जो बहुत बड़ा वैदिक मंत्र माना जाता है, वो याद है, और आपके कर्पूर गौरम, जय गणेश आरती, दो चार मंत्र उसको याद है, जो कि इस उम्र में उसने अगर सुना दिया, बता दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि आगे बढ़ेगी, तो क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है और नकारात्मकता दूर होती है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि केवल हमारे मजहब के अंदर, आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी धर्म समुदाय के हो, तो
तो आप उस धर्म समुदाय से संबंधित अपने ग्रंथों पुराणों को अपने बच्चों को बताइए, सिखाइए, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबिल हो, कुछ भी हो, लेकिन बताइए बच्चों को, जरूर बताइए अपने पौराणिक बुक्स के विषय में, किताबों के विषय में, जरूरी है। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा चल के मिलवाता हूँ मैं आपको अपनी बच्ची अर्पिता से, और देखते हैं कि अर्पिता को क्या पता है और उसने क्या सीखा है। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं अर्पिता से आपको मिलाने जा रहा हूँ, और ये रात का समय है और अर्पिता अभी खाना खाकर टहल रही थी और बैठी है चारपाई पर। पूछते हैं बेटा कैसी हो? ठीक है। अर्पिता आज मैं कुछ बातें आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको वो सारे मंत्र याद है जो मतलब मम्मी ने बताया है या हम लोग जो भी आरती में करते हैं? कौन कौन से याद हैं? गायत्री मंत्र याद है बेटा? हाँ। ठीक है, गायत्री मंत्र आप सुनाइए। ओम भूर्भुवस्वः सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हाँ ठीक है, गायत्री मंत्र। और इसके अलावा हाँ गणेश आरती याद है आपको? हाँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दया मंत चार भुजा धारी माथे पर तिलक तो है मूस की सवारी पान चले फूल चले और चले मेवा लड़ुवन का भूख लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। वेरी गुड बेटा। और इसके अलावा कर्पूर गौरम हाँ याद है क्या? कर्पूर गौरम याद है ये मंत्र? उसके बाद त्र्यंबकम। अच्छा त्र्यंबकम, महामृत्युंजय मंत्र याद है? त्र्यंबकम याद है? हाँ। चलिए त्र्यंबकम सुनाइए आप। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं कुष्ठिवर्धनं कुर्वालुकमे वंदनं मित्योर्मुक्षी अमामृतम्। अच्छा ठीक है, और वो कर्पूर गौरम? कर्पूर गौरम कर्वावतालम संसार सारम भुजगेन लहालम सदा वसंतम विद्यारविंदे भवम भवामि सहितम नमामि। अच्छा ठीक है, और इसके अलावा वो एक वो होता तुमेव माता, तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या रगिलम तुमेव तुमेव सर्वम मम देव देवा। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि अर्पिता को जो भी मंत्र याद है इसने बहुत अच्छे से बखूबी सुनाया है, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम लोगों ने इसको सिखाया और ये सीख गई, क्योंकि माहौल ऐसा है हम लोग सुबह में उठते हैं आरती करते, इसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ये कैच करती है, जो भी चीज़ें एक बार इसको सिखाया और बताया जाता है ये उससे सीख जाती है बहुत जल्दी। और मैं इसकी काबिलियत को बोलूँगा कि ये इसकी काबिलियत है कि ये इतनी जल्दी सीख जाती है, और यही नहीं आगे भी कोशिश है कि इसको हम और भी सारी चीज़ें सिखा सकें, वो सारी चीज़ें बता सकें जो हम इसे देना चाह रहे हैं, अपने सारे कल्चर के विषय में इसको जानकारी दे सकें, जिसका कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में अभाव है प्रेजेंट टाइम के अंदर, मैं देख रहा हूँ चाहे वो कहीं पर स्कूल कॉलेज कुछ भी हो, ये सारी चीज़ों की कमी मैं पा रहा हूँ, जो कि होना चाहिए, सारे जगहों पे ये चीज़ लागू होनी चाहिए, लोगों को ये एजुकेशन दिया जाना चाहिए जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के दौर में। देखिए आज के इस वीडियो में जो टॉपिक मैं छेड़ रहा हूँ, जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है फ्रेंड्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्रिसमस डे ना मनाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वैलेंटाइन डे ना मनाइए, आप सारे वो वेस्टर्न कल्चर जो भी चीज़ें हैं फंक्शन उसको सेलिब्रेट करिए, सेलिब्रेट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स मेरे कहने का मतलब हम कम से कम अपनी सभ्यता और संस्कृति को तो ना भूलें, जो हमारी जड़ें हैं, जिनसे हमारी पूरी पूरे विश्व के अंदर पहचान है, कम से कम उसे तो हमें फॉलो करना चाहिए, वो तो हमें पता होना चाहिए ना, कि अगर हम किसी और कंट्री के अंदर बाई चांस जाते हैं और हमारे कल्चर के विषय में कोई बंदा पूछ देता और हम ना बता पाए तो पता ही, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। तो बस आज के लिए मैं इतना ही, आज की वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करूँगा बस, लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट फ्रेंड्स आपसे करूँगा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर अपनों के बीच में इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे हम अपने बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा भर सकें,
उनको एक नई सोच दे सके, उनके अंदर एक नया संस्कार दे सके, लोग इसको फॉलो कर सके, बस यही रिक्वेस्ट है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको कोई सुझाव हमें देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं अपने अंदर और अपने बच्चों के अंदर सुधार कर सकूँ। आपने हमारी वीडियो को वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।